हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलर प्रेनर हूं इंडिया से। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वाई मैंने ज्वाइन किया, क्यों मैंने ज्वाइन किया टॉप शेयर ग्लोबल को, और कैसे रजिस्टर करते हैं टॉप शेयर ग्लोबल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कैसे अपना सब्सक्रिप्शन पे करना है टॉप शेयर ग्लोबल में, और कैसे आपने अपना जो है रेवेन्यू शेयर्स परचेज करने हैं, या एड पैक आप बोल सकते हैं परचेज करने हैं, ठीक है। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे कोई भी इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे यहाँ पर आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आप मेरे को यहाँ पे आके कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल प्लस, जहाँ से भी आपने मिलना हो, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी वहीं पर सॉल्व कर दूंगा जो भी होगी, ठीक है। फेसबुक पर भी आप मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिंक नीचे सारे दिए हुए हैं। तो चलिए, मैं चाहता हूँ अभी टॉप शेयर ग्लोबल में मैं अभी लॉग इन हो गया हूँ, ठीक है। ये सेकंड वीडियो है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैं नॉट सब्सक्राइब दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं नॉट सब्सक्राइब दिखा रहा हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने भी अभी देखिए, आप यहाँ पे कुछ एक दिन पहले ही ज्वाइन किया है, यहाँ पे पिछले कल ज्वाइन किया है 9 तारीख को, ठीक है, 9/6 को, तो अभी 10 है आज। तो स्टेप वन पे सबसे पहले आप आएंगे, स्टेप वन पे आप आए, आपने क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएगा कि नॉट सब्सक्राइब्ड है, लेवल आपका नन है, सब्सक्राइब्ड ऑन दिस, एक्सपायर ऑन, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपका जो है ये सब्सक्रिप्शन, अगर एक बार आपने ले ली, $10 की ले ली या $25 की ली, तो दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ़ यू विश टू चेंज योर सब्सक्रिप्शन प्लान, यू नीड टू रीच टू द मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आप चेंज कर पाएंगे। हम दो टिकट, सपोर्ट टिकट सेंड करके ये अपना जो है जो सब्सक्रिप्शन चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम $10 पे हैं, तो हम $25 की करवा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप $25 की सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कैलकुलेशन करके बताई थी, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट का, ठीक है। और एक बात और याद रखिए कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है आपने फ्रेश फंड से ही ऐड करना है, आपने जो इस टॉप शेयर ग्लोबल का जो बैलेंस होगा उससे नहीं आप पे कर सकते सब्सक्रिप्शन, राइट। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे दो तरह की सब्सक्रिप्शन है, एक है रेगुलर, एक है प्रीमियम। तो अभी आप देख रहे हैं, ये रेगुलर भी 30 दिन की है और प्रीमियम भी 30 दिन की है। यहाँ पे कमीशन रेगुलर में 3% मिलती है रेफरल कमीशन, ठीक है, और रेवेन्यू मिलता है ऑल शेयर्स पे। विड्रॉल लिमिट है 3x, मतलब आपने $1000 लगाया तो $3000 तक विड्रॉ करा सकते हैं। तो प्रीमियम में आप क्या है, प्रीमियम में 10% रेफरल कमीशन, जो हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि मिनिमम 10% तो हर किसी को चाहिए। और इसमें विड्रॉल लिमिट 500% है, मतलब 5x। तो अगर आप $1000 लगाते हैं, तो $5000 आप विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रीमियम का अमाउंट है $25 आप मंथली सब्सक्रिप्शन, और रेगुलर की है $10 सब्सक्रिप्शन। तो आपको जो चूज़ करनी है आप वो कर सकते हैं। मेरे को ये नहीं चूज़ करनी, क्योंकि मैं कमीशन रेगुलर कमीशन 3% नहीं चाहता, और जो है इसमें कुछ थोड़े बेनिफिट्स कम भी हैं। देखिए, इसमें आपको जो है प्रोग्राम की हेल्थ और इसके डैशबोर्ड विजिट्स, कूपन्स, कोड वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी रेगुलर वाले में, बट प्रीमियम में मिलेगी। तो इसके लिए $25 की सब्सक्रिप्शन ही सही है, क्योंकि ये अमाउंट जो है हमारा मंथली हमारे प्रॉफिट में से ही चला जाएगा, ठीक है। जो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, अगर आपने नहीं देखी पिछली वीडियो, तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ। मैंने आपको बताया कि अपने पे मैंने यहाँ पे बिटकॉइन ऐड किया हुआ है, अपना बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे बिटकॉइन में जाता हूँ मैं, और सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं अभी क्या आता है। यहाँ पे लिखा है टॉपशेयर ग्लोबल सिक्योर पेमेंट्स दिस, तो कंटिन्यू करते हैं इस पे। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, मैं भी अभी लाइव ही कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि $25 की आपकी पेमेंट है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट पड़ी आपको $25। अगर आप किसी और उससे करते प्रोसेसर है, तो आपको 2% या 3% का जो है टैक्स फीस देनी पड़ती। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, फर्स्ट नेम अपना देंगे उमेश, यहाँ पे देंगे लास्ट नेम क्या है शर्मा, अपनी ईमेल आईडी देंगे जिससे आप रजिस्टर हुए हैं, और ये पूरा डाटा जो है सही लिखिएगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपको आगे फिर रजिस्टर करने में, ठीक है, या पेमेंट सेंड करने में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये ब्लू दिखा रहा है, तो मैं इस पर जब जैसे क्लिक करूँगा, तो ये दिखा रहा है इतने BTC। अभी तो मैं इसकी मेंबरशिप पे कर रहा हूँ, तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि रेवेन्यू कैसे, एड पैक कैसे परचेज करेंगे। अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब ये इसके ऊपर होवर करेंगे, तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने क्लिक किया, तो ये ग्रीन हो गया पूरा, आप देख रहे हैं अभी। तो अभी कंप्लीट चेकआउट पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आपने कंप्लीट चेकआउट पे क्लिक किया, ये बता रहा है आपको 2 घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड आपके पास हैं, जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना पैसा कहाँ से, इस कॉइन पेमेंट में, मतलब टॉप शेयर ग्लोबल में आप सेंड कीजिए इतने घंटे के अंदर, 2 घंटे इतने मिनट के अंदर। तो इतना BTC आप सेंड करने वाले हैं। तो इसको आप कॉपी करके गूगल पर जाके देख सकते हैं कितना हो रहा है USD में, अगर आपको पता, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो क्योंकि ये देखिए $25 है, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये जो इन्होंने अपना एड्रेस दिया है यहाँ पे,
ये एड्रेस दिया है, तो इस पे हमने पैसे सेंड करने हैं अपने BTC वॉलेट से। जो भी आपके पास BTC वॉलेट होगा, मेरे पास यूनिकॉइन है तो मैं यूनिकॉइन में जाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड विड्रॉ बिटकॉइन लिखा हुआ है, सेंड पे क्लिक किया मैंने और ये मेरे पास पेज खुल गया। एंटर लिखा है एन ईमेल और बिटकॉइन एड्रेस, बिटकॉइन एड्रेस ये है, सॉरी बिटकॉइन, बिटकॉइन का एड्रेस जो है, मैं यहाँ से इसको पूरा कॉपी किया। यूनिक ट्रांजेक्शन यहाँ पे गया, मैं इसका एड्रेस लिख दिया मैंने टॉपशेयर ग्लोबल का, यहाँ पे सेंड करने हैं। BTC कितना इसने बोला है सेंड करना है आपने, कितना BTC हो रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया यूं करके और यहाँ पे रख के ये हटा दिया और कॉपी कर लिया BTC, सिर्फ BTC का अमाउंट कॉपी करके करते ही मेरे के पास आ गया 1700 इतना बना है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टॉप शेयर ग्लोबल, टॉप शेयर ग्लोबल $25 सब्सक्रिप्शन पेड पेइंग, ठीक है पेइंग लिख दिया मैंने, जैसे भी ये स्पेलिंग अभी इतना ध्यान नहीं रहता। सेंड मनी करते हैं अभी डायरेक्ट, एक बार आप चेक कर लीजिएगा सारा। तो जैसे ही मैं इधर सेंड मनी पे क्लिक किया तो इसने OTP मेरे मोबाइल नंबर भेजा है। आप अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए, मोबाइल चेक कीजिए, उसमें OTP आया होगा यूनिकॉइन के थ्रू। तो जैसे ही OTP आता है मैं आपको बताता हूँ। अभी OTP मेरे पास आ गया है 115608, 115608 बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने डन पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है यू ट्रांजेक्शन सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, यू कैन मॉनिटर स्टेटस थ्रू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर हम देख सकते हैं, कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे दिख रही है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अप्रूवल पेंडिंग। व्यू करते हैं हम, देखिए सेंड किया है हमने BTC टॉपशेयर ग्लोबल टू किस एड्रेस पे किया है, इस एड्रेस पे, टॉपशेयर ग्लोबल का एड्रेस है ये, ठीक है, इस पे सेंड कर दिया। डेट इतनी है, इतना BTC सेंड किया है। तो देखिए मैंने इधर अभी इसको कॉपी करके रखा और देखा, फिर से चेक किया तो $25.33 जो है हमने पे किया है, ठीक है, अप्रूवल पेंडिंग है, टॉपशेयर ग्लोबल में $25 की सब्सक्रिप्शन पेइंग की है। ओके पे क्लिक किया मैंने, जैसे भी आपने यहाँ पे अपनी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने पेमेंट कर दी तो उसके बाद अपना कॉइन पेमेंट के पेज पे वापस आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेमेंट इज़ कम्प्लीट रिटर्न टू सेलर स्टोर, यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया ये आपको वापस टॉपशेयर ग्लोबल की साइट में ले आएगा और यहाँ पे दिखा रहा है आपको बिटकॉइन की मेथड $25 का अमाउंट, डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो अभी अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 5 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्टर ये काम कर लेंगे, अपनी पेमेंट सेंड कर देंगे पूरी, तो उसके बाद आप यहाँ पे आके चेक करेंगे। यहाँ पर आकर आप जो ये मनी वॉलेट का टैब है, यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। ऐड मनी पे क्लिक करने का मतलब, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको तब दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ये दिखा देगा कि आपने कौन सा पेमेंट प्रोसेसर आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेजा लेगा 4% फीस, इंस्टेंट डिपॉजिट करेगा। पर पेयर लेगा 2% फीस, इंस्टेंट डिपॉजिट करेगा। परफेक्ट मनी लेगा 2% फीस, इंस्टेंट डिपॉजिट करेगा। सोलिट्रस पे भी 2% इंस्टेंट, और बिटकॉइन जो है 0% फीस लेगा, 5 से 15 मिनट लेगा जो है ऐड फंड करने में टॉपशेयर ग्लोबल में वाया कॉइन पेमेंट, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया लाइव, ठीक है। तो हम मेरे को लगता है कि 5 से 15 मिनट भी कोई बुरा नहीं है बिटकॉइन में, अगर फीस 0% लग रही है, ठीक है। 5 से 15 मिनट बाद मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट बाद मिलते हैं। अब देखिए, अब मैं 15 मिनट बाद वापस आ गया हूँ। वैसे तो 15 मिनट नहीं लगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप आ गया है, जो पहले से अनसब्सक्राइब्ड या कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं दिखा रहा था, तो अभी प्रीमियम मेंबरशिप यहाँ पे दिखा रहा है और मेरा अकाउंट स्टेटस जो है एक्टिव दिखा रहा है। तो अगर आपने जब चेक करना है कि अपना अकाउंट जो आपका, आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप जो है एक्टिव होगी, आपने $25 पे कर दिया है, तो आप यहाँ पे जाएंगे अकाउंट हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, अकाउंट हिस्ट्री से डिपॉजिट में क्लिक करेंगे, आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्टेटस जो है टिक बच गया इस पर और $25 की प्रीमियम की मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है आपने पे कर दी है। तो इस तरीक को, जैसे भी जिस तरीक को भी की होगी, तो इसके मतलब है कि आप जो है पूरी तरह से अप्रूव हो गए हैं सिस्टम में अभी टॉपशेयर ग्लोबल में काम करने के लिए, ठीक है। ये आपको $25 की सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट में अब हमने रेवेन्यू शेयर ऐड करना है, ठीक है। रेवेन्यू शेयर जो है हमने ऐड करना है, मीन्स हमने परचेज करना है शेयर्स अपने। तो वो हम कैसे करेंगे, वो तभी करेंगे जब हमारे पास अमाउंट होगा और हमारे पास इसमें पैसा होगा टॉपशेयर ग्लोबल में। तो पैसा हम अभी ऐड करेंगे टॉपशेयर ग्लोबल में। अभी देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर गया हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं दिखा रहा है, बैलेंस जीरो है, सब कुछ जीरो है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा अपने ऐड मनी बटन पे, ऐड मनी बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पे पेजा वगैरह वैसे ही सेम दिखा रहा है कि आपने कैसे ऐड फंड करना है। तो मैंने इसको कहा, मैंने बिटकॉइन के थ्रू ऐड फंड करना है, तो इसने कहा कितने का करना है, मैंने कहा इसको 91, मेरे यूनिकॉइन जो वॉलेट है उसमें मैंने ये जो मेरा BTC पड़ा हुआ है वो है मेरा $96 का भी पड़ा हुआ है, ठीक है। कितने का फंड ऐड करना है मुझे, कितने पैक लेने हैं मुझे और कितना फंड ऐड करना है, वो मैंने लेने हैं 30 पैक्स। तो 30 एक
एक पैक का रेट अगर 3 है तो 30 का होगा 90, ठीक है। तो $90 मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा फंड अकाउंट पे दोबारा क्लिक किया मैंने यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने फंड अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने, सेम ही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको पता होगा पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने थोड़ा अभी बताया था, एक्सप्लेन किया था आपको, तो ये सेम प्रोसीजर है। देखिए अब $90 का मैं पे कर रहा हूँ अपने, जो मैंने एड फंड कर रहा हूँ अपने टॉप शेयर ग्लोबल में। तो फिर से यहाँ पर ये ब्लू दिखा रहा है, तो मैं इस पर जाकर क्लिक करूँगा जब ये ग्रीन हो जाएगा। अब कंप्लीट चेकआउट पर मैंने क्लिक किया तो अभी फिर से मुझे एक BTC एड्रेस देगा टॉप शेयर ग्लोबल अपना, ताकि मैं पैसे सेंड कर सकूँ अपने यूनिकॉइन वॉलेट से। तो फिर से कॉइन पेमेंट में आ गया हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अब इसने इतना दिया है, ये BTC एड्रेस दिया मुझे और ये BTC दे दिए कि इस पर पैसे आप सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, फिर से मैं अपने यूनिकॉइन वॉलेट में गया हूँ और मैंने फिर से सेंड करने हैं, सेंड एंड विड्रॉ बिटकॉइन करने हैं। तो सेंड पे क्लिक किया मैंने, सेंड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने बोला एंटर ईमेल, एंटर एड्रेस ऑफ द बिटकॉइन जिस पे आपने सेंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एड्रेस दे दिया, उसके बाद ये बोल रहा है BTC भी एंटर कर दो। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, अपने नोट पैड पर लेके गया इसको मैं, और इसका जो अमाउंट था वो कॉपी किया। अमाउंट कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने BTC में इसको रखा, तो 6376 आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितने डॉलर का हो गया ये आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पे लिख के ऐसे BTC इन USD, तो ये बन गया हमारा $90.72 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिंग फंड्स ऑफ $90 इन टोटल, TSG लिख देता हूँ, टोटल बाइंग 30 packs, 31st packs ऑफ मिलियनर लेवल, जो भी है स्पेलिंग में भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने ये लिख दिया, इतना इसका एड्रेस दे दिया, तो अभी मैं सेंड मनी पे क्लिक कर रहा हूँ। सेंड मनी में जब मैंने क्लिक किया तो जैसे ही सेंड मनी पे क्लिक किया फिर से OTP शो करने का दिखा रहा है मेरे मोबाइल नंबर पे। अभी मैं चेक करता हूँ क्या OTP आया है, तो मैं उसको एंटर करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास OTP आया है अभी 439266। OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, जो 3 मिनट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। डन पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो अभी हम आप व्यू करके यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन पढ़ सकते हैं सारी, जैसे कितना आपने सेंड किया। मैंने एडिंग फंड्स किया ऑफ $90 इन TSG बाइंग 31st pack ऑफ मिलियनर लेवल, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी वापस जाएंगे अपनी जो है कॉइन पेमेंट के पेज पे, वहाँ पर आकर आप यहाँ पे सेलर स्टोर पे यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया ये वापस आपको ले जाएगा टॉप शेयर ग्लोबल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉप शेयर ग्लोबल में आपको ले गया। तो $90 की मैंने जो है बिटकॉइन की अमाउंट इसमें ऐड की है, बट अभी ऐड नहीं हुई, ये स्टेटस जो है ये पेंडिंग में है। 15-20 मिनट जो 25-30 मिनट जो भी लगेंगे इसको, उसके बाद ये यहाँ पर टिक बच जाएगा और यहाँ पर शो होने लग पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आपके पास दोबारा आता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं कि हम एड पैक परचेज करेंगे। तो चलिए मैं अपने अकाउंट में वापस आ गया हूँ आधे आधे घंटे के बाद, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट जो है उसमें ऐड फंड हो गया या नहीं हुआ। तो चलिए उस पर चेक, उसको चेक करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट अपने चेक, हम क्लिक करेंगे अकाउंट हिस्ट्री पर, उस पर फिर डिपॉजिट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा फंड जो है, आप हमारा यहाँ पे दिखा रहा है $90, जो अभी कुछ देर पहले नहीं हुआ था ऐड, अभी इस पर टिक बच गया और ये पूरी तरह से बिटकॉइन अकाउंट फंडिंग पूरी तरह से जो है हमारे अकाउंट में हो गई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जब टॉप शेयर ग्लोबल में हमारे पास जब फंड आ गया है, तो फंड आ गया इसमें, तो हम अपने ऐड पैक परचेज करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है कंप्लीट, तो सेकंड स्टेप जो है हमने ऐड फंड कर दी है, अब हम अपना रेव शेयर परचेज करने जा रहे हैं, मीन्स ऐड पैक परचेज करने जा रहे हैं। तो रेव शेयर पे क्लिक करेंगे और परचेज पे क्लिक करेंगे। तो परचेज पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं $90 मैंने सबमिट किए थे, तो $90 यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज़ अर्निंग बैलेंस, कौन सा अर्निंग बैलेंस यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ डिपॉजिट बैलेंस करेंगे आप। $90 जो आपका डिपॉजिट हुआ होगा वो आपका वहाँ पर वो शो करेगा, मेरा 90 है तो मेरा 90 शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे हमने कौन सा एड पैक परचेज करना है, फर्स्ट करना है, मिलियनेयर करना है, या बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, या सुपर ह्यूमन, कौन सा करना है आपने। आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए मिलियनेयर से, चाहे सुपर ह्यूमन से डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो है इसकी भी $25 ही होगी, अगर यहाँ फिर अगर आप $10 पे हैं तो आपकी $10 ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट लेवल पे हैं तो $25 या $10 है और दूसरे पे 25 या 40 हो जाएगी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है 25 या 10 दोनों में से आपको चूज़ करनी है कौन सी करनी है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 25 ही चूज़ करें, ठीक है, जब भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अभी हम ऐड फंड करेंगे, ऐड फंड हमने कर दिया, तो मिलियनेयर में हमें अपना यूनिट्स परचेज करनी है, हमने कितने ऐड पैक परचेज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जो है एक ऐड पैक की कीमत जो प्राइस बताया हुआ है $3 है, रीपर्चेज रूल 30% है, प्रॉफिट 120% है, ठीक है, डेली लिमिट 30 पैक्स है। तो अब हम
30 ही परचेज कर सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे 30 लिखेंगे क्योंकि मैं $90 परचेज $90 रखे हैं, तभी $3 का एक पैक है तो $30 लगा के 90 हो जाएगा, तो अभी हम यहाँ पे इसको परचेज करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वीकडेज में इसकी 24% मिलता है और वीकेंड्स में 12% जो है अर्निंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो अभी हम क्लिक करते हैं परचेज एड में, परचेज एड पैक में जो भी जैसे भी है। सॉरी ये उप्स क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे गलती इसने कर दी, मैंने कर दी क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे अपना वॉलेट तो सिलेक्ट किया था, डिपॉजिट बैलेंस सिलेक्ट किया था, बट मैंने यहाँ पे डिपॉजिट बैलेंस जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट तो किया है बट मैंने जो है अपना पेजा चेक यहाँ पे चेक कर लिया था, यहाँ पे मेरे को बिटकॉइन करना था क्योंकि मेरा अकाउंट जो है बिटकॉइन का है, मैंने मेरा जो प्रोसेसर है बिटकॉइन है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं 30 लिखता हूँ, तो परचेज करता हूँ मैं एड पैक्स, अभी देखते हैं क्या आता है, अभी आ गया है सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, योर एड पैक परचेज हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, ओके करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारे एड पैक जो है परचेज सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। अभी हम अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर जब हम गए तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये पूरा हेल्थ स्टेटस वगैरह दिखा रहा है। तो अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि हमने परचेज तो कर लिया पर हमारे कहीं भी ये शो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं भी हमारे जो है एड पैक शो नहीं हो रहे हैं। तो उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, दोबारा से अपने रेवेन्यू शेयर पे क्लिक करेंगे, माय शेयर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। माय शेयर्स पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये आपको डेट आज की दिखाएगा, 30 यूनिट्स आपकी परचेज की है आपने, कॉस्ट $90, और ये आपको मतलब यहाँ पे शो हो गया कि आपने जो है इस दिन में इतना परचेज किया है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको नहीं शो करेगा, और इस तरीके से आपने अपना रेवेन्यू शेयर में टॉप शेयर ग्लोबल में एड पैक परचेज करने हैं और सब्सक्रिप्शन पे काम करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन और रेवेन्यू शेयर ऐसे परचेज करने हैं आपने। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके पास आ रहा हूँ जो है हाउ टू सर्फ एड्स, सर्फ कैसे करेंगे इसमें एड्स, और पॉपुलेट अर्निंग का क्या प्रोसीजर है, ये सारा मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।